हेलो दोस्तों, मैं अभी दमोह में हूँ और सिटी क्रॉस कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं जो चौराहे सामने दिख रहा है, यहाँ से राइट में सागर, लेफ्ट में कटनी और सीधे जबलपुर के लिए रोड जा रहा है और मैं दमोह सिटी की तरफ से आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज धुआंधार वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ जो कि जबलपुर में है। ये मेरा सेकेंड विजिट है धुआंधार फॉल का। ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हो मेरे लेफ्ट में, वो दमोह जबलपुर हाईवे पर नोटा विलेज के बाद आता है। ये शिव जी का मंदिर है और शायद 1000 साल पुराना है। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी होंडा एविएटर से। वैसे तो मैं इंदौर से दमोह बाय बस आया था और दमोह इंदौर से करीबन 500 किलोमीटर है और अब दमोह से जबलपुर 110 किलोमीटर है। मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ मेरी एविएटर से और दमोह से धुआंधार फॉल नियरली 150 किलोमीटर है। दमोह जबलपुर के बीच में काफ़ी एरिया जंगल का आता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बंदर खाने के लिए रोड पर आ जाते हैं और इसका रीज़न हम लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ से पास होने वाले लोग इन्हें खाना देते हैं और इस वजह से सुबह से शाम तक ये यहाँ रोड पे ही रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी बीच में रोड पर एक गाड़ी खड़ी हो गई और लोग बंदरों को खाना दे रहे हैं। ऐसे लोग बंदरों की आदत बिगाड़ रहे हैं और रोड पर एक्सीडेंट के चांसेस भी। अगर आप लोगों को कभी भी इस रोड से ट्रैवल करना पड़े तो स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ कभी भी रोड पर कोई भी जानवर अचानक से आ सकता है। चलो आप लोग व्यू का मज़ा लो, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जबलपुर आ गया हूँ, लेकिन रोड अंडर कंस्ट्रक्शन होने के वजह से ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो ब्रिज में क्रॉस कर रहा हूँ, इसके नीचे जो घाट है वो नर्मदा घाट है। फाइनली मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ, तो चलिए आगे घूमते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से पानी बहुत कम है।
यह है धुआंधार फॉल दोस्तों, लेकिन इस बार कम बारिश के वजह से फॉल बहुत ही हल्का लग रहा है और यहाँ पर चेंज भी बहुत आ गया है। लास्ट टाइम में यहाँ दिसंबर 2016 में आया था तब और आज में बहुत फ़र्क है। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अभी एक क्लिप बताता हूँ जो मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने शूट की थी। ये है रियल धुआंधार फॉल। ये देखिए फॉल कितना शानदार बहता था पहले, और यहाँ पर सेफ्टी के लिए रेलिंग्स भी थी, लेकिन लास्ट 10 मंथ्स में इतना डिफरेंस आ गया है कि यहाँ आके मैं खुद सरप्राइज हूँ। अभी यहाँ पर वाटरफॉल भी बहुत छोटा और कम दिख रहा है, साथ में यहाँ सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं। अभी कोई रेलिंग्स नहीं है और ना ही कोई ध्यान देने वाला है। चलो जो भी हो, आप लोग फॉल को देखो अब, और मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.